आज हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल को डिस्कस करेंगे और इम्प्रॉपर इंटेग्रल के हमारे पास तीन डिफरेंट केसेस होते हैं। सबसे पहले ए से इन्फिनिटी आती है। अगर ए से इन्फिनिटी आए तो इसका मतलब ये होता है, बेसिकली होता क्या है, ए से बी तक का इंटरवल होता है ना डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर। अगर मैं डेफिनेट इंटेग्रल लिखूँ तो ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स लिखते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। ये क्या होती है, ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो अपर और लोअर लिमिट में से किसी एक में या दोनों में अगर इनफाइनाइट हो, अगर लिमिट क्या हो इनफाइनाइट हो, तो वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल होता है। अगेन सुन लें कि एनी वन ऑफ द लिमिट, यानी ए या बी दोनों में से कोई एक या दोनों अगर इनफाइनाइट हो तो फिर इंटेग्रल क्या कहलाता है, वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहलाता है। और उसके ये तीन केसेस हैं। पहला, अगर ए से इन्फिनिटी आ जाए तो हम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं और बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आती है। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी से बी आ जाए तो ए से बी एफ ऑफ एक्स और ए अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी। और अगर दोनों ही अगर आपके इनफाइनाइट आ जाए लिमिट्स, तो फिर ए को भी करेगा और बी को भी करेगा, ए को नेगेटिव इन्फिनिटी करेगा और बी को पॉजिटिव इन्फिनिटी करेगा। तो इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। ये तो था हमारा कि जो तीन डिफरेंट केसेस है इम्प्रॉपर इंटेग्रल के। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि फिर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल हम करते हैं सॉल्व, 1/x² dx और इंटेग्रल दिया हुआ है 1 से इन्फिनिटी। अब जहाँ पे देखें, 1 से इन्फिनिट इन्फाइनाइट दिया हुआ है, मतलब दोनों में से कोई एक लिमिट, यानी अपर लिमिट जो है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल आ गया। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे, पहले हम सिंपल सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, इस इनफाइनाइट की जगह हम क्या कर लेते हैं, 1 से b लिख लेते हैं और 1/x² dx लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम प्रॉपर सॉल्व करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर ले जाएं आप, 1 से b और x^-2 dx आ जाएगा। अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -1/x आ जाएगा और 1 से b तक का इंटरवल आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप इंटरवल पुट करें, पहले अपर लिमिट होती है फिर लोअर लिमिट होती है। तो जब अपर लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/b और ये माइनस और दरमियान में माइनस होता तो प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया, सिंपल हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की। अच्छा, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 1 से इनफाइनाइट 1/x² dx, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट को। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट बी अप्रोचेज टू इनफाइनाइट, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे ए से इनफाइनाइट था तो ए से बी तक तो अप्रोच किया था, तो ऐसे ही हम बी इनफाइनाइट कर रहे हैं, तो बी इनफाइनाइट आया और हमारे पास आंसर क्या आया, 1 -1/b ये आंसर आया। अब जब बी को आप इधर अप्लाई करेंगे तो 1/b क्या होगा, इनफाइनाइट, और समथिंग ओवर इनफाइनाइट क्या होता है, 0 आता है। तो इसका मतलब इस सारे का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये तो था इसको सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका कि हम किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं एक और एक एग्जांपल लेता हूँ, सेम इसी तरह से e की पावर मेरे पास आ गया -x, e की पावर x और इंटरवल आ गया -∞ से 0 इंटू डी ऑफ एक्स। अब देखिए ये किस इन्फिनिटी हमें नज़र आ रही है और कहाँ से आ रही है, ए से बी तक अप्रोच हो रही है, इसका मतलब ये ए को अप्रोच कर रही है। तो पहले सबसे पहले हम इसको सिंपल सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए से 0 ई एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब ई एक्स की इंटीग्रेशन तो ई एक्स ही होती है और हम इंटरवल पुट कर देंगे ए से 0, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 0 - e की पावर a,
तो ये वन आ गया माइनस ई की पावर ए आ। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन क्या था, माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई की पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब किसको अप्रोच कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है, तो हम लिखेंगे लिमिट ए अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और मेरे पास आंसर क्या आया, वन माइनस ई की पावर ए। अब जब ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी तो ये तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो ये जीरो हो जाएगा, ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास, वन आंसर रह जाएगा। तो ये इसका आंसर था। तो देखिए मैंने एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट का क्वेश्चन लिया और दोनों को मैंने इवेल्युएट करके दिखाया कि किस तरह से हम इनको इवेल्युएट कर सकते हैं इम्प्रॉपर की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने ली है, मैंने ली है डी वन माइनस एक्स, वन अपॉन डी वन माइनस एक्स और ज़ीरो से टू। अब आप यहाँ पे इसको चेक करें, इस क्वेश्चन को चेक करें कि ये किस इंटरवल के ऊपर जाके अनडिफाइंड हो रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को चेक करूँ वन माइनस एक्स को, तो मैं एक्स की जगह वन पुट करूँ तो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि वन को अगर मैं पुट करूंगा, यानी कि एक्स इज नॉट इक्वल टू माइन वन, अगर मैं वन पुट करूंगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर हम जब इनफाइनाइट होगा तो फिर हम इसको क्या किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये इस इनफाइनाइट आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, किस पे इनफाइनाइट हो रहा है, वन पे आ रहा है, तो फिर हम लिखेंगे डी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स प्लस डी ऑफ एक्स ओवर वन माइनस एक्स, और ज़ीरो से वन तक और वन से टू तक। इस तरह से फिर हम इसके दो पार्ट्स बना लेंगे इंटरवल के, कि एक ज़ीरो से वन तक हो रहा है और फिर वन से टू तक का इंटरवल हो रहा है जहाँ से ये इम्प्रॉपर हो रहा है, और हमें इम्प्रॉपर ही चाहिए। अब हम इनको दोनों को सेपरेट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इस हिस्से को सॉल्व करें, इसको इतने हिस्से को, यानी कि हम 0 से 1 डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स को सॉल्व करें। तो इनफाइनाइट किस पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। इसका मतलब क्या करूँगा, 0 से b 1 माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। और अब इसको क्या करूँगा, ये क्या आएगा, इसका रूल टू लगा लें, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, अगर नीचे फंक्शन हो यानी नीचे वाला क्वेश्चन हो और इसका डेरिवेटिव जो माइनस वन आ रहा है वो ऊपर नहीं पड़ा हुआ, तो पहले हम उसको पूरा कर लें, माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स 0 से b। ये मैंने इसका इंटरवल रूल पूरा कर दिया, तो ये क्या बन गया, ln बन गया। तो इसका आंसर आ गया 0 से b, बल्कि इसका इंटरवल हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ln 1 माइनस एक्स, और इंटरवल मेरा क्या आएगा, 0 से b आ जाएगा, ठीक है जी। और इसी तरह से अब क्या आएगा, इसको इसको अब अगर मैं लिखूं तो माइनस ln x की जगह क्या करूंगा, b पुट करूंगा, 1 माइनस b प्लस, माइनस आना था लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, तो ln 1 1 आ जाएगा और माइनस 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया माइनस ln 1 माइनस b, और ये ln 1 आ गया, ln 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो माइनस ln 1 माइनस b आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह से हम इसका ये सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे, डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और इसका इंटरवल 1 से 2 तक का। अब देखें इंटरवल ए पे आ रहा है, यहाँ से इम्प्रॉपर हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ए से टू तक डी एक्स ओवर वन माइनस एक्स। तो अगेन उसी तरीके से इस सारे का आंसर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया था ये रूल पूरा करने के लिए, तो माइनस, मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, माइनस ln 1 माइनस एक्स, ठीक है जी, ये आ गया, और इंटरवल ए से टू तक का आ गया। तो इसको मैं मज़ीद क्या लिखूँगा, माइनस ln, ये एक्स की जगह टू पुट करूंगा तो माइनस वन आ जाएगा, और जब मैं ए पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ln 1 माइनस ए आ जाएगा, ठीक है जी। तो
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, और जब कंबाइन करेंगे तो इस पे लिमिट लगाएंगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हम इनको ज़ीरो नहीं कह सकते, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है जी। और जब ये अनडिफाइंड होगा मतलब इसका इन दोनों का आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी जब आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट अगर कोई रियल वैल्यू आ जाए, जैसे पिछले क्वेश्चंस में 1 आई थी, तो वो हमारा कन्वर्जेंट होता है, और यहाँ पे इन अनडिफाइंड आया है, इन्फिनिटी आई है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहलाता है जी। ये यहाँ पे भी ये बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने थर्ड एग्जांपल की। ये एग्जांपल देखें ज़रा, इस एग्जांपल में देखें तो पहले सबसे पहले देखें अनडिफाइंड किस पे होगा। तो अगर मैं एक्स की जगह 2 पुट करूँगा तो 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं जब इसको इम्प्रॉपर की फॉर्म में इसको मैं लिखूँगा, तो मैं इसको लिखूँगा डी एक्स एक्स माइनस टू 2/3 प्लस डी एक्स ओवर एक्स माइनस टू 2/3। अब देखें अनडिफाइंड किस पे हो रहा है, 2 पे, यानी 1 से 2 तक और 2 से 10 तक, ये इसका इंटरवल बन जाएगा। और इस तरह से इसको सेपरेट इवैल्यूएट करेंगे और इसको सेपरेट इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पे मैं जब इसको इवैल्यूएट करूँगा तो मैं इसको लिखूँगा, देखें 1 से 2 एक्स माइनस टू 2/3, तो इसको लिखूँगा ये चूंकि बी को इंडिकेट कर रहा है ना जिससे इम्प्रॉपर होता है, तो 1 से b तक लिखूँगा, और एक्स माइनस टू और -2/3 इंटू डी एक्स, इस तरह से। और फिर इस तरह से इसको मैं इवेल्युएट कर लूँगा। सेम इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पोर्शन जो है 2 से 10 तक है, एक्स माइनस टू 2/3, और ये a को अप्रोच कर रहा है, यहाँ से हो रहा है ना अनडिफाइंड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा a से 10 तक और एक्स माइनस टू -2/3 इंटू डी एक्स। और इस तरह से इन दोनों को हम चेक कर लेंगे कि ये डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज है जी। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 14.4। एक्सरसाइज हमारी है 14.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला दिया हुआ उसने e की पावर -RT इंटू डी टी, और इंटरवल हमें 0 से इन्फिनिटी दिया हुआ। सबसे पहले ये चेक कर लें ये प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर है क्योंकि मैंने बताया था कि वन ऑफ देम इंटरवल जो है वो अनडिफाइंड होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। ये 0 से इन्फिनिटी है, इसका मतलब जो हमारे पास लिमिट है वो 0 से b तक की है। तो मैं यहाँ से 0 से b e की पावर -RT इंटू डी टी, ठीक है जी। अब इसके पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करें, e -RT एज इट इज, और पावर का डेरिवेटिव क्या होएगा, -RT का डेरिवेटिव क्या आएगा, -R, और इंटीग्रेशन में हम ओवर में लिखते हैं यू, तो ये आएगा 0 से b तक। अब आप इसके क्या करेंगे, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट पुट कर दें 1/R, और पहले अपर लिमिट e -RB -e -R इंटू 0, तो ये तो सारा 0 हो गया, और e की पावर 0 जो होगी वो 1 के बराबर आएगी, तो इसका मतलब -1/R e -RB और -1, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हम इसको लिमिट लगाएं कि लिमिट किस तरह से लगाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन था 0 से इन्फिनिटी e की पावर -RT इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू लिमिट, क्या लिमिट है हमारे पास, b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और मेरे पास आंसर क्या है, -1/R e की पावर -RB -1, ये आंसर आया। अब b की जगह आपने क्या लिखना है, इन्फिनिटी। ये जब इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, -1/R इंटू -1, तो क्या आ जाएगा, 1/R। ये था इसका जी पहला पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब हमने ये चेक करना है इसका बी पार्ट जी। तो बी पार्ट के अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन,
टू से थ्री तक इंटू एक्स फोर डी एक्स। पहले तो आप देखें ये प्रॉपर है या नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो इसको गौर से देखें, इसमें से कोई भी इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, और ना ही हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स फोर, ये किसी भी सूरत में हमारे पास अनडिफाइंड नहीं हो रहा कोई भी चीज़ पुट करने से, क्योंकि ये रियल वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे कोई भी तो इसका मतलब ये तो इम्प्रॉपर है ही नहीं है, ये तो प्रॉपर फॉर्म है, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर का क्वेश्चन है, ये इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल हम जैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल में सॉल्व करते थे कि इसकी इंटीग्रेशन कर लें एक्स फाइव ओवर फाइव और टू से थ्री लिमिट पुट कर दें, ठीक है जी। इसको इम्प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वन ओवर फाइव एक्स की जगह पहले थ्री पुट करेंगे, फिर एक्स की जगह हम टू पुट करेंगे, तो इसको आप इवेलुएट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का, इम्प्रॉपर का क्वेश्चन बी पार्ट नहीं था। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं जी, नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है इसका सी पार्ट है, एक्स की पावर -2/3। सी पार्ट जो है एक्स की पावर -2/3 इंटू डी ऑफ एक्स, और ज़ीरो से है ये वन तक, ज़ीरो से वन तक। अब सबसे पहले देखें आप इसको चेक करेंगे तो किस पे, पहले ये चेक कर लें कि ये डेफिनेट इम्प्रॉपर है या नहीं है, ये डी इम्प्रॉपर है, कैसे इम्प्रॉपर है वो हम पहले चेक कर लें। इसको अगर मैं लिख लूँ वन ओवर एक्स 2/3 इंटू डी ऑफ एक्स 0 से 1 तक, ऐसे ही है। अच्छा इसमें अगर एक्स की जगह मैं 0 पुट करूँ, यानी जैसे ये दिया हुआ है इंटरवल 0 दिया हुआ है उसने, ये 0 पुट करूँ तो ये समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म है ये हमारे पास। अच्छा अब हम इसको सिंपल हम सॉल्व करते हैं, पहले चूंकि ये इम्प्रॉपर है तो इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 से a तक दिया हुआ, इसका मतलब इंटरवल a से 1 तक का है, और एक्स की पावर -2/3 इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें ज़रा क्या आएगा, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करें, पावर में एक ऐड कर दें +1 और -2/3 +1, और क्या आएगा a से 1 तक का इंटरवल आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो एवेलुएट करेंगे तो ये आ जाएगा x 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा a से 1 तक का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं सबसे पहले अपर लिमिट 3, एक्स की जगह 1 1 पुट किया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता, माइनस फिर a की पावर 1/3, तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी इसका, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से लिमिट लगा के हम इसको सॉल्व करें, तो क्वेश्चन था मेरा 0 से 1 एक्स की पावर -2/3 डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट ए अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, या ए अप्रोच कर रहा है, ए अप्रोच कर रहा है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि 0 को अप्रोच करने के बाद ही वो उसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है 0 को पुट करने से, ठीक है जी। तो 0 पुट किया हमने इधर, तो ये 3 × 1 - a 1/3, तो ये तो जब 0 करेंगे पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास, 3 आंसर इसका रह जाएगा। तो ये था इसका जी सी पार्ट हमारा, के नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया डी पार्ट, आ गया इसका डी पार्ट, और डी पार्ट में उसने दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से 0 और ई की पावर RT इंटू DT, ये क्वेश्चन दिया हुआ जी। अब देखें ये सबसे पहले चेक करो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो क्लियरली हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है अनडिफाइंड का, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो हम इसको पहले इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ए से 0 ई की पावर RT इंटू DT, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लें ज़रा क्या आएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e माइनस e RT और ओवर R,
ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, और इंटरवल क्या आ गया, ए से ज़ीरो। अच्छा जी, अब 1/r ये r बाहर निकाल दिया। अब पहले हम ज़ीरो पुट करेंगे, e की पावर r इंटू ज़ीरो माइनस e की पावर r a, तो ये क्या रह गया, 1/r, ये 0 1 आ गया, और ये माइनस e की पावर ए आर या आर ए आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसके हम लिमिट्स लगा लें, माइनस इन्फिनिटी से 0 e r t dt, दैट इज इक्वल टू लिमिट ए अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और 1/, ये मेरा आंसर आया था, 1 माइनस e की पावर r a। अब जब ए की जगह आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो पीछे क्या मेरे पास 1 रह जाएगा, तो 1/r × 1 तो क्या आ गया, 1/r आंसर आ गया। ये था ये हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, पहले एफ कर लीजिए, बाद में हम ई करते हैं, पहले एफ पार्ट देख लें ज़रा, एफ पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास। एफ पार्ट के अंदर दिया हुआ है 6 × d(x), और दिया हुआ है -1 से -4 तक का इंटरवल दिया हुआ है। पहले ये आप चेक कर लें, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो मैं 6 को बाहर ले लेता हूँ, 1 × d(x) -1 से -4, तो यहाँ से तो कहीं से भी कोई, चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही, तो कहीं से भी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही कि इसको हम प्रॉपर बना सके, तो इम्प्रॉपर बना सकते, तो ये क्या है, ये प्रॉपर फॉर्म है, तो ये तो इवेल्युएट नहीं होगा इम्प्रॉपर के ज़रिए, ठीक है। अगर प्रॉपर के ज़रिए सॉल्व करना है तो 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी, और इंटरवल -1 से -4, और इसमें -4 + 1, तो ये 6 × -3 और -18 आ जाएगा जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं जी इसके ई पार्ट की तरफ, के ई पार्ट क्या है जी। जी ई पार्ट हमारे पास आ गया, ई पार्ट है हमारे पास dx/(x-2) और 1 से 5 तक, ये ई पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करें ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखें, अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की जगह 2 पुट करूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर फॉर्म है। अच्छा, प्रॉपर फॉर्म में है तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 5 dx x-2, किस तरह से लिखेंगे, किस पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, इनफाइनाइट किस पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे dx(x-2) + dx/(x-2) 1 से 2 तक, और फिर 2 से 5 तक, इस तरह से हम इसको इवेलुएट करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें, 1 से 2 dx/(x-2). अच्छा, अब देखें किस पे हमारे पास अनडिफाइंड हुआ है, 2 पे, तो इसका मतलब ये 1 से b तक लिखूंगा मैं, 1 से b तक dx/(x-2), ठीक है, तो जिस पे अनडिफाइंड हो रहा है उस पे हम इंटरवल लगाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये रूल 2 लगेगा कि नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो, तो ln log बनता है, ठीक है, नेचुरल log बनता है, तो ये मेरे पास आ गया ln x-2, और इंटरवल क्या है, 1 से b तक का, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट क्या आएगी, ln x की जगह क्या आएगा, b-2 माइनस ln 1-2, तो ये क्या आ गया, ln b-2 माइनस ln-1। इसी तरह से अब सेकंड पार्ट, ये वाला पोर्शन हम सॉल्व करें, dx(x-2) 2 से 5, तो हम इसको लिखेंगे dx(x-2), देखें फिर अनडिफाइंड किस पे हुआ है, 2 पे, तो हम क्या लिखेंगे, a से 5 तक, और अब ये पे अगेन नेचुरल लॉग आ गया, ln x-2 आ गया, और ये क्या आ गया, a से 5 तक का, तो ये आ गया ln 5-2 माइनस ln a-2, तो ये क्या आ गया, ln 3 आ गया, और ये माइनस ln a-2 आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था क्या था, dx/(x-2)
वन से फाइव, और हमने इसको ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिखा था, एक्स माइनस टू डी एक्स, एक्स माइनस टू, और इंटरवल इस तरह से वन से टू और टू से फाइव तक, ठीक है जी। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, देखिए जरा इसका आंसर क्या आया था, पहले वाले का आंसर एल एन बी माइनस टू माइनस एल एन माइनस वन, और नेक्स्ट क्या आया था प्लस एल एन थ्री और माइनस एल एन ए माइनस टू, ये मेरे पास आंसर आया था जी। अच्छा अब हम इसके ऊपर जब हम इंटरवल अप्लाई करेंगे, अब इंटरवल यहाँ पे लिमिट जब लगी थी इसके ऊपर, तो इसके ऊपर लिमिट कौन सी लगेगी, बी की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट बी अप्रोचेस टू, हमारे पास टू आ जाएगा, ठीक है, बी अप्रोचेस टू टू, एल एन बी माइनस टू माइनस एल एन माइनस वन, और यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एल एन लिमिट ए अप्रोचेस टू टू और एल एन थ्री माइनस एल एन ए माइनस टू, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जब मैं ये यहाँ पे पुट करूँगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, और विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जब ये इसके अंदर पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा, लेकिन इनको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते कि हम इनको कैंसिल कर दें, लेकिन अनडिफाइंड आए हैं, तो अनडिफाइंड क्या कहलाता है, ये डाइवर्जेंट कहलाते हैं, अनडिफाइंड क्या कहलाते हैं, डाइवर्जेंट कहलाता है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी इसमें सॉल्व हुआ है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारा सॉल्व हो गया है, कि उसमें बताना था कि कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो इम्प्रॉपर हैं और कौन कौन से नहीं इम्प्रॉपर, और क्वेश्चन नंबर टू और थ्री दोनों हमने सॉल्व कर लिए।